मैं भारत सारथी से सीनियर रिपोर्टर उमेश अग्रवाल। सर अभी पिछले हफ्ते परेड के दौरान पुलिस लाइन में अभी होमगार्ड विभाग के कुछ कर्मचारियों के आपस में झगड़ा हुआ था, क्या ये मामला था, क्या ये बात थी? जवान बेल्ट नंबर 536 चांदड़ा के ड्यूटी में तैनात था और बिना किसी मंजूरी के, बिना किसी परमिशन के इधर आया और उसका केवल एक ही मकसद था, झगड़ा करने का। और कई बार उनकी शिकायत मिली है, उसने इसमें फिरोजपुर झिरका में भी SHO रतनलाल जी के साथ उदमबाजी की थी, तो उसको पीछे भी SP मोहन ने उसको माफ़ कर दिया था। और आदत से वो झगड़ालू टाइप का है और उसका भाई उसे सहयोग कर रहा था और उनके खिलाफ स्थानीय थाना पुलिस में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। तो सर मुकदमा दर्ज होने के बाद अभी तक क्या कार्रवाई पुलिस विभाग की तरफ से इसमें अमल में लाई गई है? अभी कोई कार्रवाई विचाराधीन है, अभी कोई फाइनल कोई नहीं लगा है। सर जैसे भ्रष्टाचार की भी काफ़ी शिकायतें होमगार्ड विभाग जिला में बात में आ रही हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरे पास अभी लिखित में ऐसा कोई मिला नहीं है, सुना है और मैंने सभी जवानों को संबोधित करके उनको मैसेज दिया है कि कोई भी आदमी ऐसी हरकत में सम्मिलित पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है, नहीं रहेगा। यहाँ से बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त करके ही छोड़ेंगे। और फिर भी किसी तरह की किसी जवान की कोई समस्या है तो हमारे साथ वो डायरेक्ट आ सकता है, दलालों की और उनकी जरूरत नहीं है। और भ्रष्टाचार को बिल्कुल जीरो पॉइंट पर ला दिया जाएगा। तो हमारे साथ थे जिला सेंटर कमांडेंट होमगार्ड विभाग हरियाणा करमवीर सिंह जी। तो करमवीर सिंह जी का यही कहना है कि होमगार्ड विभाग में भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जवान जो भी हैं अपने समय पर ड्यूटी पर आएँ। मेरा मानना है सभी जवान अनुशासन का पालन करें, समय पर अपनी ड्यूटी पर जाएं, समय पर परेड पर हाजिर हों। किसी भी परेशानी के लिए यदि किसी के वेतन संबंधी कोई दिक्कत है तो वो किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय में आकर अपना समाधान करा सकते हैं, मगर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तो केवल रिश्वत का खेल और भ्रष्टाचार का खेल बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो सर ये जो दोनों जवान थे आपके होमगार्ड विभाग की तरफ से, क्या इनके खिलाफ अभी तक आपकी तरफ से कार्रवाई की गई है? अभी इनको ड्यूटी से हटा दिया गया है और इसकी सूचना राज्य मुख्यालय को भेजी गई है, जैसे ऊपर से आदेश आएंगे तो इनको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करमवीर जी, आपका बरसाती से पत्र। थैंक यू।